कि भाई गाड़ी खरीदेंगे, तो उनके सपने थोड़े टूटते हुए से नजर आ रहे हैं ये नए रूल्स की वजह से। बेस मॉडल का लेके क्या करोगे, उसमें एसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका गाड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। आज की डेट में एसी तो हर किसी को चाहिए गाड़ी। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो हम बना रहे हैं भाई, अभी जो 2023 स्टार्ट हुआ तो उसी में मतलब स्टार्टिंग से ही सब लोगों को ये खबरें आने लगी कि भाई कुछ गाड़ियां ना बंद हो जाएंगी, और अप्रैल से कुछ गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो कंपनियों ने बंद कर दिया। और ये कोई एक कंपनी नहीं है, इसमें 7-8 कंपनियाँ हैं गाड़ियों की, जिन्होंने क्या कोई ना कोई गाड़ी अपनी बंद करनी पड़ी। जिनको क्यों बंद करनी पड़ी तो वो अभी हम वीडियो में बात करेंगे। और कुछ गाड़ियां इनमें ऐसी बंद हुई हैं जो मतलब सच में जिन्होंने एक जो मिडिल क्लास होती है ना, और जिनका एक गाड़ी लेने का सपना होता है कम बजट में, तो वो सपना उनका कहीं ना कहीं टूट गया है, क्योंकि उतने कम बजट में कोई गाड़ी अब बची ही नहीं है उनके पास। या तो सेकंड हैंड का ऑप्शन रह गया है, या फिर भाई मत लो, ये वाली बात हो गई। हाँ, तो आज की जो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो बंद हो रही हैं। लगभग ये 15 से 17 गाड़ियां हैं, और क्यों बंद हो रही हैं ये भी हम बात करेंगे। प्लस बात करेंगे भाई कैसे मिडिल क्लास का सपना टूट रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी गाड़ियां बंद हो चुकी हैं अप्रैल से। तो उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे होंडा की बात करेंगे, तो होंडा की जो सिटी थी 4Gen वो बंद हो चुकी है। होंडा अमेज डीजल वाली वो भी बंद कर चुके हैं कंपनी, और होंडा की सिटी 5th Gen जो आई थी डीजल में वो भी बंद हो गई है। होंडा जैज बंद हो चुकी है, और होंडा WRB ये भी बंद हो चुकी है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो गाड़ियां मुझे यहाँ दिखी वो होंडा कंपनी की दिखी। एक तरह से होंडा के पास जो उसका सबसे मजबूत गाड़ियां थी, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली, जिनके सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी थी, उनमें से होंडा सिटी जो क्या वो बंद हो गई डीजल में। इसके आगे हुंडई की जो i20 डीजल है वो बंद हो चुकी है, और हुंडई की वरना डीजल भी बंद कर दी गई है कंपनी के थ्रू। टाटा मोटर्स की टाटा एल्ट्रोज डीजल वो भी बंद कर दी गई है, और महिंद्रा ने जो है महिंद्रा की KUV100 एक आती थी वो बंद कर चुके हैं। महिंद्रा मराजो बंद हो चुकी है, और महिंद्रा की अल्ट्रस G4 ये भी बंद कर चुकी है कंपनी। बाकी इसके अलग स्कोडा जैसी कंपनी को अपनी कुछ गाड़ियां बंद करनी पड़ी है, जैसे कि ऑक्टिविया हो गई और उसकी दूसरी जो गाड़ी थी सुपर्ब। साथ में ही निसान को अपनी किक बंद कर देनी पड़ी, उनके पास तो गिनी चुनी कुछ कार्स थी निसान के पास जो इंडिया में थी। इसके बाद टोयोटा की इनोवा क्रिस्टल पेट्रोल भी बंद हो चुकी है। तो ये तो थी कुछ गाड़ियां, बट जो इम्पोर्टेंट दो कार्स थी जो बंद हुई हैं और जिनका सच में फर्क पड़ा, वो थी रेनो की क्विड जो 800 सीसी में आती थी, एंड अगेन मारुति सुजुकी की ओल्टो 800। हाँ, वो भी 800 सीसी में आती थी। हाँ। तो ये दो गाड़ियां जो बंद हुई हैं, इनका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर। हाँ, बिकॉज देखो क्या होता था बेसिक बजट में, जैसे सबसे बिल्कुल शुरुआती जो बजट होता था उसमें अगर किसी गाड़ी की बात करें तो यही दो गाड़ियों का गिन चुन के नाम आता था। हाँ। और अच्छी भी मानी जाती थी ये दोनों गाड़ियां, बिकती भी काफी थी। हाँ, इससे पहले टाटा नैनो थी जो एक बहुत कम बजट में आती थी, लेकिन वो ऑलरेडी पहले ही बंद कर दी गई थी 2017 के आसपास, तो उसको तो देखो काउंट कर ही नहीं सकते, बट अभी बेसिक बजट में यही आती थी जी। तो ये गाड़ियां बंद क्यों करी गई हैं? तो एक अभी नया रूल आया है जो RDE के नाम से जाना जाता है, रियल टाइम ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स। तो इस रूल की वजह से जो है बहुत सारी गाड़ियों पे फर्क पड़ा है। तो अभी बात करते हैं RDE नॉर्म्स है क्या, इसके तहत क्या क्या आता है भाई, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्यों गाड़ियां महंगी हो रही हैं। तो इसमें ना आपकी गाड़ी में एक डिवाइस रहेगा, और वो रियल टाइम इमिशन आपका जो मेजर करता रहेगा कि भाई आपका आपकी जो गाड़ी है वो कितना पोल्यूशन फैला रही है, वो रियल टाइम आपको डेटा देता रहेगा। बिल्कुल। मतलब एक तरीके से आप मान लो कि जैसे आप पहले जाके एक वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते थे, अभी वो रियल टाइम आपको बताता रहेगा कि भाई कब कब आपकी गाड़ी ने कितना कितना पोल्यूशन फैलाया। तो अब ये डीजल इंजन के लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है, जो छोटे डीजल इंजन थे उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है ये डिवाइस को लगाना, और जो लोअर प्राइस है उसको मीट कर पाना। तो इस डिवाइस से जो है बहुत ज्यादा असर पड़ा डीजल गाड़ियों पे, जिसकी वजह से डीजल गाड़ियां बहुत सारी कंपनीज को बंद करनी पड़ रही है अपनी, और साथ ही साथ जो छोटे इंजन थे जैसे कि उसमें अगर ये डिवाइस लगा रहे हैं, जो कम बजट की गाड़ियां थी, तो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, और कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर कौन खरीदेगा उनको, उसके लेवल में दूसरी गाड़ी आ गई। जैसे कि अभी हाल बताऊं आपको अल्टो K10 का,
उसका यही हाल हो रखा है। उसमें भी अगर आप उसकी कॉस्ट पे जाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा कर दी गई है, केवल उसके बेस मॉडल को छोड़ दो अगर आप, तो उसके ऊपर के जितने भी वेरिएंट आएंगे उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा कर दी गई है, जिसके लेवल में और दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं ज्यादा अच्छी, तो फिर उसको खरीदेगा कौन, क्यों खरीदेगा। और अल्टो ऐसी गाड़ी है जो क्या मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेल होती है। पहले मतलब इसने एक अपना जो नाम बनाया था, दबदबा बनाया था, वो एक अलग ही लेवल का था, और सबसे ज्यादा आपको ये हिली एरिया में मिलेगी देखने को, कहीं भी रुकती नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा बिकती क्यों थी भाई, क्योंकि देखो एकदम सस्ते प्राइस में आ जाती थी, छोटी गाड़ी थी, कॉम्पैक्ट कार थी, और हर कोई अफोर्ड कर पाता था। सपोज जैसे अगर कोई दो कारें रखना चाह रहा है तो आराम से सेकंड ऑप्शन के लिए, जैसे सिटी में किसी को ड्राइव करनी है तो ये कार एक कंसीडर करने में अच्छी कार थी कि भाई कहीं भी जाना है जल्दी से फटाफट निकालो और निकल दो एकदम। बिल्कुल, तो ये तो अल्टो K10 की बात हो गई। अल्टो K10 से एक और नीचे निकाली मारुति सुजुकी ने अल्टो 800, जो 800 सीसी के इंजन में आती थी, और उस गाड़ी को अभी उसको बंद करना पड़ा इसी रीजन की वजह से। तो जो कम बजट में मिलती थी और एक आदमी मतलब अफोर्ड कर लेता इजीली उसको, भाई 3 से 4 लाख के बीच में एक गाड़ी आ जाती थी उसके पास, न्यू कार और अच्छे इंजन के साथ में। मतलब अगर मारुति सुजुकी के इंजन की आप बात करो तो इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सपना अब जो है कहीं ना कहीं उन लोगों का जो इस बजट में गाड़ी लेना चाहते हैं नई कार, तो भाई उनका सपना ये कहीं ना कहीं टूट गया है। ऐसी सेम हाल हुआ है रेनो की क्विड का, जो 800 सीसी में आती थी, तो उसको भी ऐसी इसी रीजन से बंद करना पड़ा। वो भी एक कम बजट कार थी और कहीं ना कहीं लोग उसको खरीदते थे क्योंकि अल्टो 800 और क्विड 800 दोनों का इनका कंपेरिजन काफ़ी अच्छा चलता था आपस में, और लोग जिनको अल्टो पसंद नहीं आती थी वो उस पर चले जाते थे क्विड पे 800 सीसी इंजन के साथ में। तो लेकिन अभी ये दोनों गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। तो आज की डेट में घुमा फिरा के बात क्या हो गई है भाई, अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो कम से कम 6 लाख का बजट आप लेके चलो, उससे कम में आपको कोई ढंग की गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ। मिलेगी या तो जैसे अगर भाई ऑल्टो K10 की भी अगर बात करो तो उसका बेस मॉडल मिलेगा, बेस मॉडल का लेके क्या करोगे, उसमें एसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका गाड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। आज की डेट में एसी तो हर किसी को चाहिए गाड़ी में। बिल्कुल, तो सीधा सीधा जो एंड में कहने का मतलब ये है, जो ये जो नया नॉर्म्स आए हैं गाड़ियों के लिए, इनका सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो पड़ा है एक बिल्कुल जो बजट में कार लेना चाहता है 3 से 4 लाख के बीच में भाई गाड़ी लेना चाहता है, उन लोगों पर ज्यादा असर पड़ा है। और अपने मतलब बाकी जिस पे पैसा है वो तो भाई कोई सी भी गाड़ी ले लेगा, कितनी महंगी ले लेगा, लेकिन जिनका बजट बिल्कुल लिमिटेड है, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो उन लोगों पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है इन नॉर्म्स का। तो भाई जो लोग 3 से 4 लाख या 4 से 5 लाख का जो बजट लेके बैठे थे लोग कि भाई गाड़ी खरीदेंगे, तो उनके सपने थोड़े टूटते हुए से नजर आ रहे हैं ये नए रूल्स की वजह से। और कितना फायदेमंद होगा कितना नहीं होगा वो तो खैर बाद की बात है, बट अभी फिलहाल जो है सिर्फ गाड़ियां महंगी हुई हैं इसकी वजह से, और ज्यादा कुछ फर्क तो मेरे को समझ आ नहीं रहा। हाँ, सो गाइज होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी आगे मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।